Hello friends, welcome to Physics by IITians. We have discussed multiplexer concept, basic concept हम लोगों ने discuss किया है. किस तरीके से problems को हम solve कर सकते हैं, जैसे logic gates हैं, तो कैसे हम multiplexer का use करके उनको implement कर सकते हैं, ये सब हम discuss कर चुके हैं. आज की video में हम multiplexer से related जितने भी questions previous year questions में आए हैं, चाहे वो NET, GATE या फिर किसी भी और exam में, वो सब हम discuss करने वाले हैं. Start करते हैं हम पहले question से. पहला question इस तरीके से है. यहाँ पर हमारे सेलेक्ट लाइंस हैं ए और बी, और जो इनपुट्स हैं उन इनपुट्स पर, पहले दो इनपुट पर एक सी बार का इनपुट लगा हुआ है और लास्ट के दो इनपुट्स पर सी लगा हुआ है. आपसे पूछा गया है कि जो आउटपुट वाई है वो क्या होगा, उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी. ये चार ऑप्शन है हमारे पास. तो अगर हम इन सेलेक्ट इनपुट्स की ट्रुथ टेबल बनाएं तो ए और बी की जो वैल्यूज हैं, 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है, 1 1 हो सकती है. याद रखिए जब भी एक मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन आए जिसमें ऐसे इस तरीके से सेलेक्ट लाइंस हो और आपको इनपुट के हिसाब से आउटपुट डिसाइड करना हो, तो सबसे पहले आप ट्रुथ टेबल ही बनाइए. ट्रुथ टेबल किसकी, वो भी सेलेक्ट लाइंस की. अब देखिए जब ये दोनों वैल्यूज 0 होंगी तो हमारा I0 आउटपुट आता है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी था. जब ये 0 1 होगा तो फिर I1 आएगा, 1 0 तो I2 एंड 1 1 तो I3, तो यही रहने वाला है. 0 0 पर I0 आता है, I0 क्योंकि सी बार है तो ये सी बार आ जाएगा. सिमिलरली 0 1 पर भी सी बार आ जाएगा, 1 0 और 1 1 पर हमारा C इनपुट है तो ये C आ जाएगा. तो ये हमारी एक ट्रुथ टेबल होगी कि A और B की पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए हमारा आउटपुट क्या रहने वाला है. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम चाहे तो अपना जो प्रीवियस KMAP कॉन्सेप्ट था उसको यूज कर सकते हैं. तो हमने KMAP ड्रॉ किया इनपुट सेलेक्ट लाइंस A और B के लिए. A की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, सिमिलरली B की वैल्यू भी 0 और 1 हो सकती है. जब दोनों की वैल्यू 0 है तो हमारा जो आउटपुट है वो C बार है, और जब A 0 B 1 है तब भी आउटपुट हमारा सी बार है. सिमिलरली जब ए वन है तो बी की वैल्यू 0 हो या 1 हो, आउटपुट हमेशा सी है. अब देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो देखिए इस वाले कॉलम में दोनों ही वैल्यू हमारी सी बार है, सी बार सी बार. बी की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन ए फिक्स है. तो इस कॉलम को हम पूरा लिख सकते हैं KMAP कॉन्सेप्ट से, ए बार और सी की वैल्यू फिक्स है तो ए बार सी बार लिख सकते हैं. सिमिलरली इस कॉलम में भी हमारी वैल्यूज फिक्स है, सी सी है. तो यहाँ पर भी V की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन A फिक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं A C. A C मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे A की वैल्यू 1 थी, और A बार मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे A की वैल्यू 0 थी. इस पूरे के कॉलम की जो C वैल्यू है वो C बार थी, यहाँ पर C थी, तो इसलिए मैंने उनको लिख दिया. तो अगर मैं एक्सप्रेशन Y लिखना चाहूंगा तो वो A C, A बार C बार और A C का सम होगा. तो मैं Y को लिख सकता हूँ, Y इज इक्वल टू A बार C बार प्लस A C. और जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारी जो एक्सप्रेशन है वो x log की है, तो इसको आप लिख सकते हैं a x log c. तो हमारा आउटपुट हो जाएगा a x log c, तो ये b आंसर होगा. इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है. यहाँ पर जो हमारे सेलेक्ट लाइंस है वो b और c है, और जो इनपुट्स हैं वो पहला इनपुट a है, दूसरा इनपुट देखिए नॉट गेट से पास कर रहा है, a को ही हमने नॉट से पास किया है, तो यहाँ पर तो a है, और यहाँ पर जो इनपुट है वो हो जाएगा a बार. ये 1 है और ये 0 है. तो फिर से अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं तो ट्रुथ टेबल लिखिए, b और c की जब 0 वैल्यू होगी तो हमारा आउटपुट i नॉट आता है जो कि a है. सिमिलरली जब 0 1 वैल्यू होगी तो फिर a बार आ जाएगा. 1 0 पर 1 वैल्यू आएगी और 0 पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो 0 ही होगी. तो अगर इस एक्सप्रेशन को हम लीनियर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम f को लिख सकते हैं. f इज इक्वल टू, देखिए a कब आता है, जब b और c 0 0 हो, तो उसे आप लिख सकते हैं a b बार c बार. सिमिलरली a बार कब आता है, जब b 0 हो c 1 हो, तो उसे आप लिख सकते हैं a बार b बार और c 1 हो, तो मतलब c. 1 कब आता है, जब b की वैल्यू 1 हो और c की वैल्यू 0 हो, तो प्लस 1 को 1 ही रहने देंगे, तो b c बार. तो इस तरीके से आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं. अब हमें इस फंक्शन को समेशन ऑफ टर्म्स के रूप में लिखना है, मतलब हमें इसे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है. तो ये तो हमारी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है, लेकिन इसके नंबर्स क्या है वो हमें नहीं पता है. तो नंबर्स को पता करने के लिए हमें इसको KMAP में ड्रॉ करना पड़ेगा. तो उसको सबसे पहले KMAP में ड्रॉ करते हैं. इसको मैं रब कर देता हूँ, इसका काम हो चुका है. तो देखिए हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमारा 2 बाई 4 KMAP बनेगा. तो इधर बना लेते हैं KMAP. MSP हम A मान लेते हैं,
और एल एस बी हमारी सी हो जाएगी, ये एल एस बी मान लेते हैं और ए को हम मान लेते हैं अपनी एम एस बी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इधर हमारा ए लिखते हैं, इधर हम लिखते हैं बी सी। ए की वैल्यू जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, बी की वैल्यू जीरो 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 वन वन जीरो सॉरी यहाँ पर वन वन आता है और ये वन जीरो 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 वन 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 जीरो। अब देखिए पहला टर्म है ए, ए मतलब ए की वैल्यू वन रहनी है आपकी, बी बार सी बार मतलब बी जीरो है सी जीरो है, तो ए की वैल्यू वन इस कॉलम में है, बी जीरो सी जीरो, तो ये वाला पॉइंट हमारा वन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ए बार बी बार सी, ए बार का मतलब ए जीरो, बी बार का मतलब बी जीरो, सी का मतलब सी वन होगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है बी सी बार, बी सी बार का मतलब बी वन होगा सी जीरो होगा, लेकिन इसमें ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ए को कुछ भी मान सकते हैं, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये हमारे जो वंस हैं वो हमने फंक्शन को एक के मैप में रिप्रेजेंट किया। अब इनको हम अगर नंबर्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ, देखिए ये वाला जीरो होता है, ये वन होता है, ये टू होता है, ये थ्री होता है, ये फोर होता है, ये फाइव सिक्स और सेवन, इस तरीके से नंबर्स चलते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब हमारे वन कहाँ कहाँ पे है, वन यहाँ पे है, वन यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसका मतलब इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ वन कॉमा टू कॉमा फोर कॉमा सिक्स, वन टू फोर सिक्स, वन टू फोर सिक्स, हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, एक बार फिर से जो समराइज कर लेते हैं कैसे हमने इसको डील किया। सबसे पहले हमने देखा कि ए जो इनपुट है वो देखिए दो लाइन से जा रहा है, तो डायरेक्टली जा रहा है तो ए कहेंगे, एक नॉट गेट से जाएगा तो ए बार कहेंगे। फिर हमने देखा कि सेलेक्ट लाइन हमारी बी और सी है, तो बी और सी के साथ हमने इस फंक्शन का एक ट्रुथ टेबल बनाया, ट्रुथ टेबल में बी और सी की जो पर्टिकुलर वैल्यूज हो सकती है उसके हिसाब से हमारा इनपुट आई जीरो आई वन आई टू और आई थ्री सेलेक्ट किए जाएंगे। अगर जीरो जीरो है तो हमारा आई जीरो सेलेक्ट होगा, जीरो वन है तो हमारा आई वन सेलेक्ट होगा, वन जीरो है तो आई टू सेलेक्ट होगा और वन वन है तो हमारा आई थ्री सेलेक्ट किया जाएगा। I0 क्योंकि A है तो हमारा पहला जो आउटपुट है वो A हो गया, I1 हमारा A बार है तो ये A बार हो गया, फिर 1 हो गया और ये फिर 0 हो गया। तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि इस तरीके से फंक्शन की ट्रुथ टेबल होगी। इसको हम अगर बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते थे A B बार C बार प्लस A बार B C प्लस 1 था इसको तो कुछ नहीं बोलेंगे तो प्लस B C बार, तो ये हमारी एक्सप्रेशन होगी। तो ये हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन जो हमारे ऑप्शंस हैं वो समेशन फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है, जिनको आपको नंबर्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको फिर इन एक्सप्रेशन को के मैप पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हमने के मैप ड्रॉ किया, इसमें हमारी एम एस बी हो गई ए और एल एस बी हो गई सी, इस तरीके से के मैप आया, जहां जहां पर हमारे ये टर्म्स मौजूद हैं उनको हमने वन लिख दिया, बाकी टर्म्स को हमने छोड़ दिया, और फिर जो वन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो हमने लिख दिया, वन इसके कॉरस्पॉन्डिंग टू इसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिक्स, इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है। अभी तक आपने डिस्कस किया कि इस तरीके से आपके इनपुट होंगे, इस तरीके से आपकी सेलेक्ट लाइन होगी और हम डायरेक्टली आउटपुट निकाल सकते हैं। अभी क्या दे रखा है कि यहाँ पर आपको आउटपुट ही दे रखा है कि आउटपुट हमारा जीरो वन फोर सिक्स सेवन का सम है और पूछा गया कि इनपुट्स क्या होंगे, जस्ट रिवर्स क्वेश्चन, पहले इनपुट से आउटपुट पूछते थे, इस बार आउटपुट से इनपुट पूछा गया, तो इसको कैसे डील करेंगे। तो डील करने का सिंपल तरीका उल्टा चलते हैं, उल्टा चलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले के मैप ड्रॉ करते हैं। तो के मैप में हमारे क्या क्या टर्म्स हैं, ए है बी है और एक तीसरा टर्म मान लेते हैं सी, क्योंकि हमारे जो टोटल सम जो नंबर्स हैं वो सेवन तक जा रहे हैं, सेवन के लिए हमें तीन वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमने एम एस बी को मान लिया ए और एल एस बी को मान लिया सी, तो हमारा के मैप ऐसे हो गया, ए की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, बी सी की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0 हो सकती है। अब देखिए जो जो नंबर्स हमारे मौजूद हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में एसओपी फॉर्म में, उन सबको हमने 1 लिख दिया, तो 0 था 1 था फिर 4 फिर 6 फिर 7, बाकी सब जगह पे मैंने 0 रखा। तो यहां तक हम लोगों ने सिंपली एक के मैप ड्रॉ किया। अब हमें देखना है कि ये इनपुट्स क्या-क्या हो सकते हैं। तो देखिए I0 हमारा इनपुट कब आएगा, I0 इनपुट तब आएगा जब A और B दोनों की वैल्यू क्या हो, 0 0 हो, A और B की वैल्यू क्रॉस हो, जब A और B दोनों 0 होंगे तब हमारा I0 आता है, जब
a की वैल्यू 0 होगी, b की वैल्यू 1 होगी, तो हमारा i1 आता है, a हमारा 1 होगा, b हमारा 0 होगा, तो i2 आता है, और जब दोनों ही हमारी सेलेक्ट लाइंस 1 हो जाती है तो ये i3 आता है। तो देखिए इस वाले कॉलम में a 0 है और ये दोनों पॉइंट्स हमारे b 0 को इंडिकेट करते हैं, यहां पर a 0 है, b 0 है, तो जब a 0 b 0 वाली कंडीशन है तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, 1 है। 1 है का मतलब कि ये c पर डिपेंड नहीं करना, a जब 0 होता है, b जब 0 होता है, तो c की वैल्यू चाहे 0 रखो चाहे 1 रखो, ये हमेशा 1 ही आ रहा है। इसका मतलब ये इनपुट हमारा 1 रहना चाहिए, कि आप जब a और b को 0 रखोगे तो ये 1 आएगा, c पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। फिर यहां देखिए इसमें क्या है, a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है, a 0 b 1, तो a 0 b 1 के केस में देखा है क्या आउटपुट आ रहा है, आप c को 1 रखोगे तब भी 0 आ रहा है, C को 0 रखोगे तब भी 0 आ रहा है। इसका मतलब फिर से ये C पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आ रही है, तो हम यहां पे इनपुट 0 लगा देंगे। तो A 0 0 पर रखोगे, दोनों को 0 रखोगे तो आउटपुट 1 आएगा, A को 0 B को 1 रखोगे तो आउटपुट 0 आएगा, अभी तक C पर डिपेंडेंसी नहीं आई है। फिर यहां देखिए इस वाले कॉलम में ये तो दो पॉइंट्स हैं, इनमें A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 0 है, तो देखिए जब c आपका 0 होता है तो आउटपुट क्या आता है, 1 आता है, और c जब आपका 1 हो जाता है तो आउटपुट 0 आता है, मतलब ये c के साथ रिवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है, c 0 है तो 1 आएगा, c 1 है तो 0 आएगा, इसका मतलब आपको इस इनपुट पर c बार लगाना पड़ेगा, तभी तो वो रिवर्स रिलेशनशिप दिखाएगा, c की जो वैल्यू है उसका जस्ट रिवर्स आउटपुट पे दे रहा है। नेक्स्ट देखिए a 1 है यहां पे इन दोनों ही केसेस में, और b भी 1 है, a 1 b 1, तो हमारा आउटपुट i3 आना चाहिए, अब देखिए आ क्या रहा है, 1 है, अगर आप c को 1 रखोगे तब भी 1 है, c को 0 रखोगे तब भी 1 है, इसका मतलब c पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये आउटपुट हमारा हो जाएगा 1, सॉरी इनपुट ये वाला 1 रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते थे कि हमारे इनपुट्स क्या-क्या हो सकते हैं, चाहे तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, मान लीजिए कि ये 1 है और ये आपको 0 दिया होता, तो जब a1 और b1 आप रखोगे तो देखिए जब c1 है तो 1 आ रहा है, जब c0 है तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये c के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है उस केस में, और फिर हम यहां पे लिख देते उसको c। तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा जब हमें आउटपुट दिया हो और इनपुट्स निकालने हो, तो सबसे पहले k मैप ड्रा करना होगा, फिर k मैप में जो-जो नंबर्स आपको दिए हैं उनको एज इट इज लिखना पड़ेगा, और जो नहीं दिए हैं उनके कोरेस्पोंडिंग आपको 0 लिखना होगा। उसके बाद आपको दो दो टर्म्स को लेना पड़ेगा, जैसे हमारे सेलेक्ट लाइंस ए और बी हैं, तो ए लिया और यहां पे बी है, तो दोनों को एक साथ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर देखेंगे कि ये नंबर्स सी के साथ कैसी रिलेशनशिप रखते हैं। तो हमने जैसे देखा सी 0 है तब भी ये 1 है, सी 1 है तब भी 1 है, तो उसके मतलब सी के साथ इसकी कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, सी चाहे कुछ भी रहे ये हमेशा 1 रहेगा, इस केस में सी चाहे कुछ भी रहे ये हमेशा 0 रहेगा, तो उसका मतलब हमने उसको डायरेक्टली 1 लिख दिया था, उसको 0 लिख दिया था। यहां पे हमने देखा था कि c के साथ इसकी इनवर्स रिलेशनशिप है, c अगर 0 है तो ये 1 है, c अगर 1 है तो ये 0 है, तो हमने इसलिए c बार लिखा। फिर हमने देखा था कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, c 1 है तो ये 1 है, c 0 है तो ये 0 है, तो हमने इसे c लिख दिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अभी हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, तब तक के लिए थैंक यू, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ आपके डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी मल्टीप्लेक्सर्स के क्वेश्चंस के बाद, हम लोग ए टू डी और डी टू ए, मतलब एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप में से किसी ने हमसे पूछा है क्वेरी सेक्शन में कि ये वाले वीडियोस पहले डिस्कस किए हैं, तो हम थोड़ा सीक्वेंस में अपना चेंज कर रहे हैं। थैंक यू।